गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट टेकडाइम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बिजी सीरीज का वीडियो नंबर 31 और एक्सपोनेंट सीरीज का वीडियो नंबर 3। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट यूज्ड बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। जब भी आप किसी एक्सपोनेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उस टाइम पे आपको टाइम को कम करने के लिए टाइम का कम यूज करके आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या बहुत ही फास्ट सम करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स मालूम होने चाहिए। वो शॉर्टकट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे किसी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कहीं पे 4 दिखाई दे, 9 दिखाई दे, 16 दिखाई दे, 100 दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, उस 4 की जगह पे क्या लिख दोगे, 2 raised to 2, क्योंकि 2 raised to 2 है वो 2 into 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। वैसे 9 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 raised to 2। 16 की जगह पे आप लिखोगे 4 raised to 2। 100 की जगह पे लिखोगे आप 10 raised to 2, क्योंकि 10 raised to 2 का मतलब होता है 10 into 10 और 10 tens are 100 ही होता है। 25 को लिखोगे 5 raised to 2। 32 को लिखोगे 2 raised to 5, क्योंकि 2 raised to 5 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम लिखना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 होता है। तो वो 2 raised to 5 लिखो या 32 लिखो, एक ही हो जाएगा। 125 को लिखोगे आप 5 raised to 3। 625 को लिखोगे 5 raised to 4। 36 को लिखोगे आप 2 raised to 3 और 3 raised to 2। 81 को लिखोगे आप 3 raised to 4 एंड 27 को लिखोगे 3 raised to 3। ये शॉर्टकट्स आपको लगेगा कि कुछ मतलब नहीं है उसका, बट आप जब सॉल्व करोगे तो ये शॉर्टकट्स आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस, जैसे कहीं पे 625 लिखा हुआ है, तो अगर आप बिना शॉर्टकट ट्राई करोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, तो आपका काफी टाइम चला जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट मालूम होंगे तो आप उसी जगह पे तुरंत शॉर्टकट लिख के आप उसको फॉर्मूला से उसको रिड्यूस कर सकते हो और आपका आंसर भी शॉर्ट टाइम में आ जाएगा। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सपोनेंट के रूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।